नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। यूपी सरकार की तरफ से शेरपुर कुंडेसर गांव को जोड़ने वाले लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए धन जारी कर दिया गया है। कार्य शुरू करने से पहले रविवार को PWD के अधिकारियों ने इस मार्ग का निरीक्षण किया। XCN जितेंद्र कुमार ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में कोई लापरवाही नहीं होगी। AE राकेश कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 4,18,00,000 की धनराशि दी गई है। इस अवसर पर यूपी डा मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय, प्रधान प्रतिनिधि लल्लन राय, जय प्रकाश राय, आनंद राय पहलवान, दीपू उपाध्याय, दिनेश चंद्र राय, राघवेंद्र उपाध्याय, जितेश कुमार राय, मिथिलेश राय, नंद कुमार उपाध्याय, एडवोकेट शशिधर राय, मदन दुबे, मुन्ना राय, दीन बंधु उपाध्याय, बब्बन राय, मार्कंडेय राय, शिवम उपाध्याय, अजीत राय आदि मौजूद रहे। देसी शराब के दुकान के सेल्समैन की हत्या के मुख्य आरोपी को जमनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को पुलिस लाइन के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्त को मीडिया के सामने पेश किया। SP ने बताया कि जमनिया कोतवाली क्षेत्र के कसेरा पोखरा पर स्थित देशी शराब के सेल्समैन कन्हैया सिंह की बीते 2 अगस्त की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अमित चंद उर्फ रोशन फरार चल रहा है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। छानबीन में पता चला कि वो महाराष्ट्र में छिपकर रह रहा है। पुलिस ने थाना शाहपुर थाने मुंबई से मुख्य हत्या आरोपित अमित चंद उर्फ रोशन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल राजीव कुमार सिंह, उप निरीक्षक सेनापति सिंह, उप निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल गोविंद निर्मल और कांस्टेबल बलवंत सिंह शामिल रहे। सदर कोतवाली पुलिस को शनिवार की रात बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने हल्की मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराया। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात सदर कोतवाल दिलीप सिंह उप निरीक्षक, वंश बहादुर सिंह उप निरीक्षक, तरुण श्रीवास्तव उप निरीक्षक, अनुराग गोस्वामी, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल प्रदीप यादव और कांस्टेबल वीरेंद्र यादव के साथ शांति व्यवस्था को ध्यान में रखकर भ्रमण पर थे। इसी दौरान करीब 10:30 बजे सुखदेवपुर चौराहा के पास से 2 बाइकों पर सवार 4 व्यक्ति आते दिखाई दिए। संदेह होने पर पुलिस ने रोकना चाहा तो बदमाशों ने फायर झोंकने का प्रयास किया, लेकिन घेरेबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया। बदमाशों के पास से 2 बाइक मिली, इसमें से 1 चोरी की है। इसके अलावा 315 बोर का 3 तमंचा, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस, 1 12 बोर का तमंचा, 1 कारतूस के साथ ही 70,300 रुपए कैश मिले। SP ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाशों में से 3 बलिया जिले के और 1 बिहार का है। इन्हें संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। SP ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास बन रहे 300 बेड राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आवासीय भवन 200 बेड, महिला चिकित्सालय 100 बेड, अग्निशमन केंद्र सिखड़ी जखनिया और राजकीय बालिका ITI कॉलेज ताजपुर कुर्रा का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लगाए गए सरिया पिलर की गुणवत्ता को चेक करते हुए संबंधित कार्य योजनाओं के निर्माण लक्ष्य की जानकारी ली। मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समयांतराल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी जखनिया सूरज यादव तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारी व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सदर कोतवाली क्षेत्र के सकलेनाबाद निवासी सभासद सरिता गुप्ता के प्रतिनिधि और भसुर जय प्रकाश गुप्ता 58 रोज की तरह शनिवार की रात भी खाना खाने के बाद अपनी पत्नी मंजू और पुत्रों विवेक प्रकाश व वरुण के साथ कमरे में सो गए। पति पत्नी बेड पर सोए थे जबकि बच्चे फर्श पर बिछे बिस्तर पर। गहरी नींद के बीच रात करीब 2 बजे अचानक छत का प्लास्टर सो रहे लोगों पर गिर पड़ा। इसके बाद चीख पुकार मच गई। शोर सुन परिवार के अन्य लोगों की भी नींद टूट गई। लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो बेड और जमीन पर मलबा देख सख्ते में आ गए। आनंद फानन में परिजन घायलों को अस्पताल ले गए। सौभाग्य रहा कि बड़ी घटना होने से बच गए। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।